कराची में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आ गया है। कोरोना वायरस का शिकार मरीज की शनाख्त 22 साल याहिया जाफरी के नाम से हुई है। जी हां, महकमा सेहत सिंध ने यह कंफर्म किया है। 22 साल याहिया जाफरी ईरान से बजरिया बस कराची पहुंचे थे। याहिया के साथ उनके अहले खाना भी बस में सवार थे। याहिया को निजी अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है और महकमा सेहत सिंध का बताना है कि याहिया के साथ उनके अहले खाना का भी मुआयना किया जा रहा है। तो जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे, अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं और कहा जा रहा था कि ईरान के रास्ते जो लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं उन पर नजर रखनी होगी। और अब ये इतलाई है कि कोरोना वायरस का शिकार मरीज की शनाख्त हुई है 22 साल याहिया जाफरी के नाम से। इसी पर बात करेंगे न्यास अली से। न्यास, ये तो इंतहाई तशवीशनाक खबर है। जी बिल्कुल, जिस चीज का खौफ था, डर था, अब वो सामने आ चुका है। और पाकिस्तान में ये पहला केस है जिसकी बाकायदा तौर पर वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत की जो महकमे सेहत है उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी है कि 22 साल याहिया जाफरी, जिन्होंने कुछ दिन कबल ही वो ईरान से कराची आए थे और अपनी फैमिली के साथ, उनमें जो है ये अलामत पाई गई थी। और जिसके बाद कराची का निजी हॉस्पिटल है अगाफान, वहां पर जब इनके सैंपल लिए गए थे तो न सिर्फ निजी हॉस्पिटल बल्कि NIH इस्लामाबाद भी इनके सैंपल भिजवाए गए थे, जिसमें अपनी तस्दीक हुई है कि इनमें कोरोना वायरस है। इसके साथ साथ इनकी फैमिली के दीगर मेम्बरान है उनको भी जो है अब उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। और इनको भी न्यास, जिस हॉस्पिटल में है वहां पर सहूलतें कैसी हैं, वहां पर क्वारंटीन किया जा सकता है इस पूरी फैमिली को, क्योंकि बहुत जरूरी है ये करना? जी बिल्कुल, सहूलत तो है, ये कराची का सबसे बड़ा और प्राइवेट हॉस्पिटल है आगा खान, वहां पर इसको आइसोलेशन वार्ड में ही रखा गया है। जो अमला है खासतौर पर इस आइसोलेशन वार्ड के लिए, जिनको पहले ही मकसद कर दिया गया था।